इस मूवी का स्टार्ट होता है ईयर 1985 में, जहां समंदर के किनारे हम एक आदमी को देखते हैं। वो डेली रूटीन के मुताबिक लाइट हाउस पर अपना काम कर रहा होता है। यहां पर वो एक लड़की की जान बचाता है जो कि समंदर के अंदर से आई होती है, जो कि असल में अटलांटिस की शहजादी होती है। असल में अटलांटिस पानी के अंदर मौजूद एक काफी बड़े शहर का नाम है और ये लड़की यानी शहजादी वहीं से ही आई थी। ये दोनों बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और फिर देखते ही देखते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर थोड़े अरसे के बाद ये शादी कर लेते हैं और फिर इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ये आर्थर रखते हैं, यानी एक्वामैन जो मूवी का मेन कैरेक्टर है। आर्थर के पास एक ऐसी खूबी होती है कि वो सारे समुद्री क्रिएचर से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटियन सोल्जर इनके घर पर आ जाते हैं। ये सोल्जर्स यहाँ पर इसीलिए आए होते हैं ताकि वो अटलांटिस की शहजादी को अपने साथ वापिस ले जा सके। क्योंकि वो सोल्जर्स इन पर अटैक करते हैं, इसीलिए ना चाहती हुई शहजादी को अपनी फैमिली और अपने बेटे को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो ये सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। इसीलिए उनको सेफ रखने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए शहजादी उनके साथ वापस चली जाती है। अब शहजादी को अपने खास एडवाइजर पर बहुत ट्रस्ट होता है और वो उससे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो और उसे एक स्किल्ड वॉरियर बनाओ ताकि वो बिल्कुल हमारी ही तरह लड़ने के सारे तरीके सीख सके। आर्थर अब बड़ा हो चुका है और उसे बुलाया जाता है कि तुम भी वापस अटलांटिस आ जाओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो इसीलिए तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इससे मना कर देता है इस बात पर कि उसकी माँ को सिर्फ इसीलिए मारा गया कि उसने एक इंसान के साथ प्यार किया और उससे शादी की और मैं उनमें से ही पैदा हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ, तो ये वजह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और ये बिल्कुल फजूल है, इसीलिए मैं अटलांटिस बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं, तब यहाँ पर आर्थर आकर उन्हें बचाता है। लड़ाई के दौरान इन पायरेट्स का लीडर मारा जाता है और उस लीडर को कोई और नहीं बल्कि आर्थर यानी एक्वामैन मारता है। उस मरने वाले पायरेट का बेटा डेविड भी वहीं मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी एक्वामैन ने उसके फादर को मार दिया है तो वो आर्थर से हर कीमत बदला लेने का डिसाइड करता है। इसके बाद में मूवी में एक और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ऑर्म होता है, जो कि अटलांटिस का किंग बनने वाला होता है। साथ साथ ही आर्थर यानी एक्वामैन का सुतेला भाई भी है जो कि पानी के अंदर रहता है, यानी कि अटलांटिस शहर में रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ऑर्म पानी के अंदर रहता है और आर्थर अपर सरफेस यानी जमीन पर रहता है। ऑर्म पानी के अंदर मुख्तलिफ किंग से मिलता है और ये किंग अटलांटिस के आसपास रहने वाले शहरों के होते हैं जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं। ऑर्म उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस यानी जमीन वालों पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो पोल्यूशन फैला कर हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं। वो लोग हद से ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, लेकिन वो किंग इस हक में नहीं होता कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो सोचता है कि अगर यहाँ पर रहने वाले चार किंगडम्स के बादशाहों ने ऑर्म का साथ दे दिया तो ऑर्म को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी ऑर्म कमांडर बन जाएगा। फिर उसी की ही हुकूमत होगी और उसी का ही फैसला, उसी की हर बात मानी जाएगी। अभी किंग और ऑर्म की बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पर रशियन सब आकर इन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ऑर्म उस किंग की जान बचाता है। ये देखकर वो किंग ऑर्म से इम्प्रेस हो जाता है और वो ऑर्म का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है जिसकी ऑर्म से शादी होने वाली थी, लेकिन वो उससे शादी करना नहीं चाहती। उसे तो बस एक ही रास्ता नजर आता है और वो होता है आर्थर यानी एक्वामैन, और उसे लगता है कि अगर आर्थर यहाँ पर आ गया तो ऑर्म किंग नहीं बन पाएगा, इसीलिए वो जमीन यानी अपर सरफेस पर जाती है। यहाँ पर वो आर्थर से मिलती है और उसे हेल्प मांगती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो, लेकिन आर्थर उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर मीरा आर्थर का ट्रस्ट जीत लेती है क्योंकि समंदर की एक बहुत बड़ी लहर ऑर्म ने जमीन की तरफ भेजी थी। यहाँ पर मीरा उस लहर को रोक कर आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसका मीरा पर ट्रस्ट बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आकर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है जिसने उसे लड़ने के सारे तरीके सिखाए थे और उसे स्किल्ड वॉरियर बनाया था। ये वही वॉरियर होता है जिस पर उसकी माँ को बहुत भरोसा था। यहाँ पर ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुमने ट्राइडेंट को ढूंढना है जिसमें बहुत सारा जादू और बहुत सारी ताकत है, और जिस किसी को भी ये ट्राइडेंट मिल जाता है उससे बगैर कोई सवाल किए बगैर कुछ कहे उसे किंग बना दिया जाता है, क्योंकि ट्राइडेंट के अलावा ऑर्म तुम्हें कभी भी किंग बनने नहीं देगा।
क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम उससे लड़कर क्लेम करना चाहोगे भी तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी उनकी बात चल ही रही होती है कि वहाँ पर ऑर्म के सोल्जर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को चेन से बांध कर ऑर्म के सामने लाया जाता है। ऑर्म यहाँ पर आर्थर को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मदर की जान गई, यानी तुम्हारी वजह से ही क्वीन को फांसी पर लटकाया गया। अब क्योंकि ऑर्म आर्थर का भाई होता है इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी भी वापस पानी में लौट कर नहीं आना क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन आर्थर वापस जाने के लिए इनकार कर देता है और गुस्से में आकर उसे चैलेंज करता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा। और फिर यहाँ पर आर्थर और ऑर्म के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि ऑर्म हमेशा से पानी में रहा होता है इसीलिए वो आर्थर पर भारी पड़ता है और आर्थर के लिए ऑर्म को पानी में हराना लगभग नामुमकिन था। उनकी लड़ाई चलती ही रहती है और आखिरकार जब आर्थर मरने ही वाला होता है कि मीरा वहाँ पर आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं उसे हासिल करने के लिए ये सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट वही जगह होती है जहाँ पर ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो उन्हें बताता है कि उन्हें इटली जाना है, जहाँ जाकर उन्हें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो इन्हें बताएंगे कि ट्राइडेंट कहाँ पर है, यानी कि ट्राइडेंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। असल में ट्राइडेंट एक काफी बड़े नेजे की तरह होता है जिसमें बहुत सारा जादू बहुत सारी ताकत होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्म डेविड से मिलता है। डेविड उसी मरने वाले पायलट का बेटा होता है जो कि एक्वामैन यानी आर्थर से बदला लेना चाहता है। अब यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी की बादशाह पर अटैक किया था वो असल में ऑर्म और डेविड का ही प्लान था, यानी ये ऑर्म का ही प्लान था कि डेविड उस किंग पर अटैक करे तो ऑर्म उस किंग को बचा ले ताकि इम्प्रेस होकर वो किंग ऑर्म का साथ दे। यहाँ पर ऑर्म डेविड को लेटेस्ट अटलांटियन बैटल सूट भी देता है जो कि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को देखता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है कि अब एक्वामैन को मार कर उसका बदला पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्म एक और किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन होता है उसके लीडर को मार देता है और वो उन्हें मजबूर करता है कि आप मेरा साथ दें। क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन का किंग मर चुका था इसीलिए वो क्वीन और प्रिंस को फोर्स करता है और उनसे कहता है कि तुम जंग की पहली लाइन में लड़ोगे और वो उनसे फोर्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें डेविड दिखाया जाता है जो ऑर्म की तरफ से दी गई एडवांस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है और ये इस सूट का नाम ब्लैक मैंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा और आर्थर इटली में जा रहे हैं उन्हें कोऑर्डिनेट्स की तलाश में और वहाँ पर डेविड यानी ब्लैक मैंटा अटैक कर देता है। फिर ब्लैक मैंटा और आर्थर की बहुत लड़ाई होती है और फिर आखिर में आर्थर डेविड को माउंटेन से नीचे पानी में फेंक देता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच आर्थर काफी इंजर्ड हो जाता है। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमजोर नहीं बन सकते, तुम्हें हौसला दिखाना होगा, हिम्मत करनी होगी बिल्कुल एक किंग की तरह। और वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान ये लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और इनसे बचते बचाते बड़ी मुश्किल से अर्थ के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये जगह पूरी जमीन का सेंटर होती है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आर्थर अपनी मदर यानी क्वीन अटलाना को देखता है जिसने इस ट्रेंच में आकर खुद को सेक्रीफाइस कर दिया होता है क्योंकि इस ट्रेंच में आने का मतलब ही मौत है। लेकिन क्वीन अटलाना को कुछ नहीं होता, वो बच गई होती है और वो काफी टाइम से यहीं पर रहकर सरवाइव कर रही हैं। अब आर्थर और मीरा क्वीन अटलाना से मिलते हैं और ये काफी इमोशनल सीन है और अब ये ट्राइडेंट के बहुत करीब होती हैं, लेकिन आर्थर अकेला ही यहाँ से आगे जा सकता है, मीरा या फिर उसकी मदर उसका साथ नहीं दे सकते। आर्थर ट्राइडेंट की तलाश में आगे बढ़ जाता है और उसे वो एंशियंट ट्राइडेंट मिल जाता है और जब आर्थर उसे हासिल करने आगे बढ़ रहा होता है तो उस पर लिवाइथन अटैक कर देता है। असल में लिवाइथन ट्राइडेंट का केयर टेकर होता है, यानी उसकी हिफाजत करने वाला। लिवाइथन ड्रैगन और सांप की तरह दिखता है पर वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है और वो एक्वामैन को बताता है कि जो भी इसे यहाँ पर हासिल करने आया वो वर्दी यानी वो काबिल नहीं था, इसीलिए मैंने उन सबको मार दिया। लेकिन अब क्योंकि मूवी के स्टार्ट में हमें पता चला था कि आर्थर समुद्री क्रिएचर से बात कर सकता है तो इसीलिए आर्थर लिवाइथन से बात करता है, जिस पर लिवाइथन हैरान होकर उससे पूछता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्योंकि आज से पहले
मुझे किसी ने नहीं सुना। तब आर्थर उसे अपनी खूबी बताता है कि मैं सी क्रिएचर से बात कर सकता हूँ। वो क्लेम करता है कि मैं ये ट्राइडेंट डिजर्व करता हूँ, यानी मैं ही इसका हकदार हूँ और मैं ही इस काबिल हूँ कि सात समंदरों पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। और आखिर में लिवाइथन उसकी बात मान लेता है और इस तरह से आर्थर वो ट्राइडेंट हासिल कर लेता है। ट्राइडेंट को हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, साथ साथ उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर बसने वाली सारी किंगडम्स ऑर्म का साथ दे रहे होते हैं, इसीलिए ऑर्म खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब वो कमांडर है और उसके फैसले ही माने जाएंगे। तभी उन किंगडम्स यानी ऑर्म का साथ देने वाली किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट को हासिल कर लिया है और रूल्स के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग होगा और ओशन मास्टर भी वही होगा और उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और उन्हें ये कंफर्म भी हो जाता है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास ही है। तब ये सुनकर ऑर्म को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता, ये कोई बड़ी बात नहीं, जो सबसे ज्यादा बहादुर है जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं वही ओशन मास्टर होगा और वही सारी किंगडम्स पर हुकूमत करेगा। यहाँ पर एक बार फिर से ऑर्म और आर्थर के बीच लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई एक सबमरीन के ऊपर हो रही थी। इस लड़ाई में आर्थर ऑर्म को हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है। और तभी वहाँ पर क्वीन अटलाना आ जाती हैं और जब ऑर्म देखता है कि आर्थर ने उसकी मदर यानी क्वीन अटलाना की जान बचाई है, इसीलिए वो अपनी किस्मत यानी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। हार मानने के बाद वो खुद को अरेस्ट करवा लेता है। तब अटलांटिस के सोल्जर उसे पकड़ कर ले जाते हैं और आर्थर वहाँ का किंग बन जाता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।